अब बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की तो बच्चों ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इज़ अ मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करेंट विथ वेरिएशन इन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज और ये जब एनालिसिस हम कर रहे होंगे तो हम बेस करेंट की वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे अब बच्चों बेस करेंट को हमें कांस्टेंट क्यों रखना है ये समझते हैं अभी आप इस फिगर को ध्यान से देखें सर्किट में अगर हम बेस एमिटर वोल्टेज को थोड़ा सा भी बढ़ा दें कट इन वोल्टेज के बाद तो होगा क्या परिणाम स्वरूप बेस रीजन से इलेक्ट्रॉन करंट और एमिटर रीजन से होल करंट इंक्रीज हो जाएंगी एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आई बी और आई सी की वैल्यू में बदलाव आएगा यानी कि जैसे ही जब जब आई चेंज होगा तब तब आई भी चेंज होगा तो हमें क्या करना होगा हमें आई की एक फिक्स वैल्यू के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को ऑप्टेन करना होगा दैट मीन्स आई की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्टेन होते हैं तो बेटर ये है कि आई की वैल्यू को फिक्स रखा जाए और एक सिंगल आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक निकाला जाए उसके बाद हम आई की वैल्यूज़ को एक डिफरेंट वैल्यू पर फिक्स करेंगे और फिर देखेंगे कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे चेंज होता है तो यहाँ पे बेस करंट को हमने फिक्स रखा और कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मिलता है दैट मीन्स बहुत ही थोड़े से कलेक्टर एमिटर वोल्टेज के लिए आपका कलेक्टर करंट इंक्रीज होता है और थोड़े समय के बाद जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हैं जैसे जैसे धीरे धीरे वोल्टेज आप बढ़ाते हैं कलेक्टर एमिटर रीजन का करंट जो है वो सैचुरेट कर जाती है करंट इसलिए सैचुरेट कर जाती है बच्चों कि पहले तो ये समझेंगे कि कलेक्टर एमिटर रीजन रिवर्स बायस है यानी कि कलेक्टर रीजन से जो करंट फ्लो हो रही है वो रिवर्स वायस वोल्टेज का परिणाम है दैट मीन्स यह करंट होल्स के मूवमेंट के कारण डेवलप हो रही है अब होल्स आपके कलेक्टर रीजन में माइनॉरिटी कैरियर्स हैं तो इवन दो कलेक्टर रीजन इज मॉडरेटली डोब्ड बट होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कलेक्टर एमिटर रीजन का वोल्टेज बढ़ाने पर भी आपके पास चूँकि माइनॉरिटी कैरियर्स अवेलेबल ही नहीं होंगे तो अल्टीमेटली आपकी कलेक्टर करेंट सेचूरेट कर जाएगी अभी आई बी की एक फिक्स वैल्यू के लिए हमें यह आउटपुट कैरेक्टिक मिला आई बी की एक और वैल्यू पर बचों ये जो ब्लू कलर से हमने नीचे टेन माइक्रो एम्पियर लिख रखा है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बच्चों यह पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने बेस करेंट की एक फिक्स वैल्यू टेन माइक्रो एम्पियर के लिए निकाला अभी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम बेस करेंट की फिक्स वैल्यू ट्वेंटी माइक्रो एम्पियर के लिए निकाल रहे हैं सिमिलरली आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम बेस करेंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है तो बच्चों आउटपुट कैरेक्टर स्टिक के हमारे ये ऑब्जर्वेशन रहे इनिशियली जब कलेक्टर एमिटर रीजन में वोल्टेज बहुत स्मॉल अमाउंट में हम बढ़ा रहे थे तब हमने देखा कि कलेक्टर करंट में जो वेरिएशन है वो लीनियर है और करंट आपकी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज कर रही है बच्चों वह इसलिए क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव स्टेट में नहीं था आपका बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस नहीं था बट बच्चों जैसे ही हम कलेक्टर एमिटर रीजन का वोल्टेज जो है अपने वी बैटरी से बढ़ाएंगे तो एक सिचुएशन आएगी सैचुरेशन स्टेट की जहाँ पे करंट इज कंट्रोल्ड बाय सप्लाई वोल्टेज एंड व्हेन वी सी इज़ इज मोर देन दैट रिक्वायर्ड टू रिवर्स बायस द बेस कलेक्टर जंक्शन आईसी ऑलमोस्ट सैचुरेट्स इट इंक्रीजेज वेरी लिटिल विथ कलेक्टर वोल्टेज तो बेसिकली बच्चों कंक्लूजन ये है कि जब तक थोड़ा सा वोल्टेज रहेगा यानी कि जब तक आपका बेस कलेक्टर रीजन रिवर्स बायस नहीं हुआ है तब तो तक थोड़ा सा करंट आपका बढ़ेगा इंक्रीज होगा लीनियरली उसके बाद जैसे ही आप सैचुरेट कर दोगे उस रीजन को बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करके वैसे ही आपकी करंट भी सैचूरेट कर जाएगी आउटपुट कैरेक्टिस्टिक्स आर कंट्रोल्ड बाय इनपुट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि कलेक्टर करेंट चेंजेस विद बेस करेंट दैट इज़ ट्रू तो बच्चों इनपुट रेजिस्टेंस इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज टू द रिजल्टिंग चेंज इन बेस करेंट एट कॉन्स्टेंट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज मैथमेटिकली आर आई इज इक्वल टू डेल्टा वी बी ई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बी मेक श्योर दैट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट वाइल कैलकुलेटिंग दिस आउटपुट रेजिस्टेंस इट इज डिफाइंड रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज टू देंज इन कलेक्टर करेंट एट कॉन्स्टेंट बेस करेंट आई बी यह दोनों ही चीजें बच्चों हमने इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स से निकाल रखी हैं सो so, मैथमेटिकली आर आउटपुट इज इक्वल टू डेल्टा वी सीई डिवाइडेड बाय डेल्टा आईसी एट सम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बेस करंट नाउ अभी तो चूंकि हमने कुछ इनपुट दिया और उसके करस्पॉन्डिंग हमको कुछ आउटपुट मिला तो हमें करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर निकालना तो बनता है नाउ करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू देंज इन बेस करेंट एट कॉन्स्टेंट कॉमन एमिटर वोल्टेज वेन द ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव स्टेट सो मैथमेटिकली बीटा ए सी इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी बच्चों थोड़ा ऑब्वियस भी लगता है ये कंसेप्ट क्योंकि हमारा जो आउटपुट निकाल रहे थे हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम आईसी का वेरिएशन देख रहे थे कलेक्टर करंट में हम इंटरेस्टेड थे सिमिलरली जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर रहे थे तो हम बेस करंट में इंटरेस्टेड थे यानी कि बेस करंट से हम बेस एमिटर रीजन से इनपुट दिया कलेक्टर एमिटर रीजन से आउटपुट लिया तो कॉमन टर्मिनल को छोड़ दिया जाए तो कलेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक डिवाइडेड बाय उनको एनालाइज करेंगे उनको कंपेयर करेंगे हम बेस के कैरेक्टरिस्टिक से सो एनी वेज आपका बीटा ए सी आपकी स्क्रीन पर है रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करेंट टू द रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट करेंट ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज सिग्नल करंट गेन एंड इट्स वैल्यू इज वेरी लार्ज इफ यू सिंप्लीफाई टू फाइंड द रेशियो ऑफ आई सी एंड आई बी वी कैन राइट बीटा डी सी इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी तो बच्चों जो कंसेप्ट आपने सीखे कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन के चलिए उनको टेस्ट करते हैं देखते हैं कि आप कितना सीख पाए हैं फ्रॉम calculate आउटपुट value शोन इन द फिगर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीटा ए सी ऑफ ट्रांजिस्टर वोल्टेज इज टेन वोल्ट एंड कलेक्टर बच्चों पहले तो फिगर देख लेते हैं तो ये रहा फिगर अभी आप खुद कैलकुलेट करें मैं आपको दो मिनट का समय देता हूँ तो बच्चों चलते हैं सॉल्यूशन की ओर आपको कलेक्टर करंट की वैल्यू यानी कि आईसी दे रखा है फोर मिली एम्पियर तो अभी आपको देखना होगा कि फोर मिली एम्पियर जो वैल्यू है वो किसके करस्पॉन्डिंग आ रही है यानी कि सबसे पहले तो देखिए कि ये फोर मिली एम्पियर की वैल्यू ये रही है आपकी चलिए ये हमने पकड़ ली कलेक्टर करंट की वैल्यू अब ये जो आ रही है ये एक सेचुरेशन लाइन है ये दिस इज करस्पॉन्डिंग टू थर्टी माइक्रो एम्पियर ये आपके बेस करंट की वैल्यू और दूसरी है ट्वेंटी माइक्रो एम्पियर तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी ये दोनों लाइंस हैं ये आपकी कलेक्टर करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी इसका मतलब ये है कि बेस करंट की ये दोनों वैल्यूज़ के बीच में आपके कलेक्टर करंट की फोर मिली एम्पियर की ये वैल्यू आ रही है तो अभी देख लेते हैं कि बेस करंट में कितना वेरिएशन करें जिससे आपकी डिज़ायर्ड वैल्यू मिल पाए तो ये आपकी अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू दैट इज इक्वल टू तो टेन माइक्रो एम्पियर का हमने डेल्टा आई भी निकाल लिया तो अभी थर्टी माइक्रो एम्पियर के करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करेंट कितना था बच्चों अगर आप देखें तो आपको ये चीज़ कर्व से ही मिलेगी एट कांस्टेंट वोल्टेज टेन वोल्ट कांस्टेंट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज जबकि वो 10 वोल्ट था और आईसी आई की 30 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 4.5 पॉइंट मिली एम्पियर है सिमिलरली आई सी की 20 माइक्रो एम्पियर के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 3 मिली एम्पियर आप देख सकते हैं ये 4 और 2 के बीच में है ट्वेंटी माइक्रो एम्पियर के करस्पॉन्डिंग आई की वैल्यू 3 मिली एम्पियर है तो अब इस डेल्टा आई बी की अगर डेल्टा आई सी आएगा फोर पॉइंट फाइव माइनस थ्री दैट इज वन पॉइंट फाइव मिली एम्पियर तो आपका करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर हो जाएगा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी दैट इज वन पॉइंट फाइव मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई टेन माइक्रो एम्पियर एंड दैट इज इक्वल टू वन फिफ्टी एंड दिस इज ह्यूज नंबर